महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील अंतर्गत इरसालवाड़ी गांव में काफी बड़ा हादसा हुआ है और यहां की एक पूरी बस्ती भूस्खलन की चपेट में आ गई। रात को सोते वक्त कई लोगों पर काल का यह हमला हुआ। मलबे में 120 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। आधी रात को हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद अब तक 5 से 6 शव निकाले जा चुके। साथ ही कुल 27 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, जिनमें 2 से 3 छोटे बच्चे भी शामिल है। इरसालवाड़ी में कई जगहों पर कई बचाव दल काम कर रहे हैं और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उधर हादसे की जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश जारी किए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गांव का 90% हिस्सा मलबे में समा गया। यहां पर 30 से 35 आदिवासी घरों की एक बड़ी बस्ती थी, जिसके चलते आशंका है कि इस हादसे में काफी बड़ी जनहानि हुई है और मलबे के नीचे 120 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। चूंकि मिट्टी अब भी ऊपर से गिर रही है, इसलिए बचाव कर्मी भी खतरे में है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। पता चला है कि हादसे के बाद कुछ लोग डरकर जंगल की ओर भाग गए। ऐसे में आपातकालीन दल के सदस्य ने कहा कि लोगों के लौटने के बाद इस बात की सटीक जानकारी मिलेगी कि भूस्खलन के नीचे कितने लोग फंसे हो सकते हैं। वहीं प्रादेशिक मौसम विभाग द्वारा मुंबई सहित समूचे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसके चलते आगामी 6 दिनों तक राज्य में सभी स्कूल व कॉलेजों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लोगों से आह्वान किया गया है कि आगामी 6 दिनों के दौरान किसी भी पर्वतीय इलाके व पर्यटन स्थल की ओर न जाया जाए। इसके अलावा नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। राज्य में मूसलाधार बारिश शुरू रहने और कई इलाकों में बाढ़ आने की वजह से गांवों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा शुरू रहने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आज का पेपर रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस कारण अमरावती संभाग में कक्षा 10वीं और 12वीं के आज पेपर नहीं हो पाए और आज होने वाला पूरक परीक्षा का पेपर आगामी 11 अगस्त को होगा। चांदूबाजार तहसील में आज दोपहर 1 बजे से तेज व धुआंधार बारिश ने कहर बरपाया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ मिनटों के भीतर ही पूरे शहर की नालियां लबालब भर गई और रास्तों पर पानी जमा होने लगा। साथ ही कई मकानों में पानी के घुसने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। अमरावती जिले से संभाग के 5 जिलों में विगत 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही कुछ राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में संभाग के अपर वर्धा बांध सहित मध्यम व अन्य प्रकल्पों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। अपर वर्धा बांध में आज सुबह 8 बजे तक कुल क्षमता की तुलना में 61.72% जल संचित हो गया था। वहीं संभाग के यवतमाल जिले में धुआंधार बारिश शुरू रहने के चलते बेमला प्रकल्प के 4 दरवाजों को 50 सेंटीमीटर तक खोलकर 25 घन मीटर पानी प्रति सेकंड की रफ्तार से नदी में छोड़ा जा रहा है। मोर्शी तहसील के तरोड़ा धनोड़ा गांव में अवैध गावरानी शराब पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की तबीयत बिगड़ जाने के चलते उन्हें तुरंत ही मोर्शी उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर स्थिति गंभीर रहने की वजह से उन्हें जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। यह घटना कल रात 19 जुलाई की रात 10 बजे के आसपास घटित हुई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल व ACP सातव सहित SDPO पांडे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद गांव सहित परिसर में गावरानी शराब बनाने वालों की खोजबीन करनी शुरू कर दी गई। खास बात यह है कि मोर्शी तहसील के साथ मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ती है, जहां के पहाड़ी और जंगली इलाकों में कई स्थानों पर हाथ भट्टी कही जाती गावरानी शराब बनाने की भट्टियां काम करती हैं। इसके अलावा मोर्शी तहसील सहित अमरावती जिले में कई स्थानों पर गावरानी शराब की धड़ल्ले से बिक्री होती है। ऐसे में किसी दिन गावरानी शराब की वजह से कोई बड़ा विजबाधा कांड होने की पूरी संभावना है। चिखलदरा तहसील में शनिवार और रविवार को उमड़ती भारी भीड़ तथा हजारों की संख्या में आ रही गाड़ियों के कारण परतवाड़ा धामनगढ़ चिखलदरा रोड छोटा पड़ने की वजह से आने जाने वाली गाड़ियों के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है तथा इस पहाड़ी रास्ते पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसे देखते हुए कल 18 जुलाई को ही मंडल न्यूज ने बड़ी प्रमुखता के साथ समाचार प्रसारित किया था, जिसका प्रभाव भी हुआ है और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी ने पत्र निकालकर इस पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें जुलाई अगस्त और सितंबर माह के शनिवार रविवार को उक्त मार्गों को वन वे करने के संदर्भ में निर्देशित किया गया है। आज सुबह शहर से जिले में लगभग सभी लोगों के मोबाइल फोन एक साथ घनघनाने लगे और मोबाइल स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज दिखाई दिया। इसके साथ ही सभी लोगों के मोबाइल उक्त मैसेज दिखाई देते रहने तक हैंग हो गए और जब तक लोगों ने इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के नीचे लिखे ओके के बटन को नहीं दबाया, तब तक मोबाइल हैंडसेट का घनघनाना बंद नहीं हुआ। इस तमाम धमाचौकड़ी के चलते आम मोबाइल उपभोक्ता काफी हद तक संभ्रम में देखे गए और हर कोई इसे लेकर एक दूसरे से पूछताछ करता दिखाई दिया। वहीं दोपहर बाद दूरसंचार विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह एक तरह का इमरजेंसी ट्रायल था, जिसकी आज एक तरह से रंगीत तालीम की गई, अतः इसे लेकर घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र रद्द करने को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सांसद नवनीत राणा द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 29 अगस्त तक मुलतवी किया है। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
अमरावती जिले की धामनगांव रेलवे तहसील निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नानगांव खंडेश्वर तहसील में अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान की एवज में मुआवजा दिए जाने की मांग क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ द्वारा उठाई गई। साथ ही प्रताप अड़सठ ने इस मुद्दे को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और उन्हें नानगांव खंडेश्वर तहसील क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के बारे में जानकारी दी। नानगांव खंडेश्वर तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ढगफुटी झाली आणि अतिवृष्टीमध्ये आपण 65 mm पाऊस 24 तासात म्हणतो, पण तिथे 6 तासातच जवळपास 120 ते 165 mm पाऊस झाला आणि एकाच दिवसात पूर्ण धरण भरून ओव्हरफ्लो व्हायला लागलं। अशा परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सगळी शेती खडून गेली आणि नाल्याकाठचीच नाही तर त्या पावसाचा जोर एवढा होता की 6 तासात एवढा पाऊस, म्हणजे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे जिथं आजपर्यंत कधीच ते वावर खडून गेले नाही ते शेतसुद्धा फक्त पावसाच्या वरच्या पाण्यानं खरडून निघून गेले। त्यामुळे या माध्यमातून माझी शासनाला विनंती असणार आहे की या खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ प्रशासनाला निर्देश देऊन याची माहिती घेऊन तात्काळ मदत मिळावी। शासनाने अत्यंत चांगले निर्णय अध्यक्ष महोदय या काळात घेतलेला आहे। शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी द्वारा आज महानगरपालिका के आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार से मुलाकात करते हुए उन्हें शहर में साफ सफाई की व्यवस्था के अभाव को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि शहर में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या की वजह से शहर में डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद विमानतल प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। श्याम चौक के निकट जेएनडी मॉल के प्रवेश द्वार के सामने ऑटो खड़ा नहीं करने को लेकर जेएनडी मॉल व्यापारी संघ के अध्यक्ष द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर श्याम चौक से ऑटो चलाने वाले ऑटो चालकों ने मॉल के भीतर घुसकर हंगामा करने का प्रयास किया। साथ ही मॉल के सामने ऑटो की पार्किंग वाली जगह पर अपना अधिकार जताया। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने समय रहते मामले में हस्तक्षेप किया और ऑटो चालकों को मॉल के भीतर घुसने से रोका। वहीं इस समय तक जिला ऑटो यूनियन के अध्यक्ष नितिन मोहड़ भी मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने जेएनडी मॉल के सामने ऑटो पार्किंग की जगह पर लगाई गई रेलिंग को नियम बाह्य बताते हुए उसे तुरंत हटाए जाने की मांग की। मनपा ठेका नियुक्त कर्मचारी व कामगार संघ द्वारा मनपा आयुक्त देवीदास पवार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि मनपा में ठेका नियुक्त कर्मचारियों से पूरा समय काम करवाया जाता है, लेकिन उन्हें आधा वेतन ही दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से नियम बाह्य है। ऐसे में ठेका नियुक्त कर्मचारियों को पूरे समय के काम की एवज में पूरा वेतन अदा किया जाए। सकल जैन समाज ने आज दोपहर राजकमल चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक विशाल निषेध मोर्चा निकालते हुए कर्नाटक के हीरेकुंडी गांव में आचार्य कामकुमार नंदी जी महाराज की हत्या किए जाने का निषेध किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हत्या मामले की सीबीआई जांच करवाने और जैन संतों को विहार के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाएगी। जीजा ब्रिगेड ने जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल ढेपे ने केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे से मुलाकात करते हुए शकुंतला रेलवे नैरोगेज गाड़ी को शुरू करने की मांग की ताकि विद्यार्थियों किसानों को सुविधा हो सके। संत गाड़गे बाबा राज्य स्तरीय मराठी साहित्य सम्मेलन के पदाधिकारियों ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद पुणे द्वारा संत गाड़गे बाबा राज्य स्तरीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन आगामी 23 जुलाई को किया जाएगा। यह सम्मेलन संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के डॉक्टर केजी देशमुख सभागार में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। या सर्व पार्श्वभूमीवर संत गाडगेबाबांचे विचार या महाराष्ट्रामध्ये हा हे साहित्य संमेलन महाराष्ट्रभूमी माँ दुर्गा देवी मंदिर संस्थान के अध्यक्ष रोशनी दुबे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 23 से 30 जुलाई तक शोभा नगर परिसर स्थित दुर्गा देवी मंदिर में अधिक मास व सावन माह के उपलक्ष्य में शिव महापुराण अमृतमय कथा ज्ञान यज्ञ अखंड हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शहर के व्यास परिवार खारचीवाला द्वारा 20 से 26 जुलाई दौरान रायली प्लॉट स्थित सचिदान मंदिर में निम्बार्की संत विश्वामित्र शरण आचार्य के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस कथा के उपलक्ष्य में आज सुबह 8 बजे प्रभात चौक स्थित रामदेव बाबा मंदिर से रायली प्लॉट स्थित सचिदान मंदिर हेतु भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश स्थापना व पूजन पश्चात कथा का मंगलारंभ हुआ।
भगवान निंबार्क आचार्य जी कहते हैं, ज्ञान स्वरूपं च हरे अधीनम। अमरावती फसल मंडी के संचालक प्रमोद इंगले, पूर्व संचालक अमर बांबल व वरिष्ठ अर्थ व्यवसायी दत्ता इंगोले के हाथों 126 बार रक्तदान करने वाले विजय बुच्चा व रक्तदान डीएमएक्स ग्रुप का सत्कार किया गया। इस समय वरिष्ठ अर्थ व्यवसायी रंजीत खाड़े का जन्मदिन केक काटने की बजाय फल काटकर और रक्तदान का महत्व बताकर मनाया गया। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल की संकल्पना से आपात स्थिति में फंसी महिलाओं, बच्चों व अन्य नागरिकों को पुलिस से शीघ्र रिस्पांस और सहायता मिलने के लिए डायल 112 के नंबर को जारी किया गया है, जिसे लेकर जन जागरूकता लाने हेतु सीपी रेड्डी ने पोस्टर जारी करते हुए आह्वान किया कि किसी भी आपात स्थिति में इस हेल्पलाइन क्रमांक पर संपर्क किया जाना चाहिए। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शालेय विद्यार्थियों का यातायात सुरक्षित करने हेतु कल 21 जुलाई को दोपहर 12 बजे आयुक्तालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें सभी शालाओं व महाविद्यालयों के मुख्याध्यापक, प्राचार्य, परिवहन समिति सदस्य, स्कूल बस संगठन के पदाधिकारी व अभिभावकों से सीपी रेड्डी द्वारा चर्चा की जाएगी। पुसर शहर में कल बुधवार 19 जुलाई की आधी रात को 1:30 बजे के दौरान इटावा वार्ड में रहने वाले दोस्त ने 3 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में 2 भाइयों की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुसर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खोलापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति के घर पर अमरावती के दशनगर परिसर निवासी राजू निरगुड़े व विशाल निरगुड़े 2 बार वैवाहिक संबंध हेतु लड़की देखने पहुंचे और तीसरी बार लड़की पसंद करते हुए सगाई की रस्म पूरी की, लेकिन इसी बीच निरगुड़े परिवार की ओर से संदेश दिया गया कि अगर विवाह में 1,00,000 रुपये का दहेज नहीं दिया जाता है तो शादी नहीं होगी। ऐसे में लड़की के पिता ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। धारणी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चिखलदरा तहसील के बैरा टीकी गांव में रहने वाले जगन दहिकर नामक 33 वर्षीय व्यक्ति द्वारा अपनी भतीजी के साथ दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है। 16 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर धारणी पुलिस ने जगन दहिकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। विगत 18 जुलाई की रात अर्जन गांव में जैन मंदिर सहित एक व्यक्ति के घर में चोरी करने के मामले में अंजनगांव सुरजी पुलिस सहित ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनके पास से 43,000 रुपए नगद सहित 1,25,000 रुपए का माल बरामद किया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।